तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल है। तो लेके आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में BGMI टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 11 में। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आईफोन 11 में एक अपडेट आया है, मैंने आपको दिखाया अभी था पिछले वीडियो में, और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 16.4.1 और ब्रैकेट में ए, तो ऐसा कुछ अपडेट हमें देखने को मिला था 2 दिन पहले। और मैंने इसको अपडेट कर लिया था और देखा था कि इसमें BGMI में परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलती है अपडेट करने के बाद। और फिर उस अपडेट को अपडेट करने के बाद काफ़ी सारे गेम भी मैंने खेले और मैं परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम मेरे को लगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है भाई दिल्ली में, तो अभी उसके चलते ना मेरा पंखा भी गर्म ही हवा दे रहा था। और भाई लोग, ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है ना, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको अपडेट दिखा देते हैं जो मैंने अपडेट करी हुई है। तो आप देख सकते हो 16.4.1 और ब्रैकेट में ए है। तो यही अपडेट थी जो मैंने अपडेट करी हुई थी। और जल्दी से आपको इसकी बैटरी कैपेसिटी दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जिसकी बैटरी हेल्थ है वो पूरी अभी 100% है। और इसको यूज करते हुए मुझे 2.5 महीने का टाइम हो गया है इस आईफोन 11 को। और भाई लोग, मैं आपको होनेस्टली बताऊं तो लगभग इसे 3 से लेकर 3.5-4 घंटे की मैं गेमिंग करता हूं पर डे शाम को, क्योंकि शाम में क्या होता है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है और फिर ज़्यादा फ़ोन हीट भी नहीं करता है, क्योंकि अभी के लिए भाई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और भाई अपने पास कोई एसी वेसी का सीन नहीं है, कोई एसी रूम नहीं है। तो अभी हम इसकी ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं। तो इसमें स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, बैलेंस में एक्सट्रीम, HD में एक्सट्रीम, और ये HDR तक एक्सट्रीम जाता है, और ये UHD अल्ट्रा तक ही रहता है। तो ग्राफिक सेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अभी हम सबसे पहले स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग पे सबसे पहले एक TDM का मैच खेलेंगे, और उसके बाद हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग पे एक क्लासिक का मैच भी खेलेंगे और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल जाती है आफ्टर अपडेट। तो चलो भाई लोग, जल्दी से अपना एक TDM का मैच शुरू कर लेते हैं। और भाई बात करें जायरो की, तो भाई जायरो एकदम से परफेक्ट काम कर रहा है, कोई भी डेले नहीं है। तो चलो यार बंदूक की तरफ चलते हैं। अरे भाई HP नहीं रह गई थी। Killing spree for the red team. Target down. Reloading. Enemies ahead. भाई ये बंदा स्लैट करके आता ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैंने तो बंद कर रखा है। Fire. Fire. Dead. उसके फ्री फायर में गलती चला गया यार। और भाई लोग, आपने यहाँ पे देखा ना, मेरे को आईफोन 11 का थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया था। मुझे लगा भाई बंदा तो मर गया है, तो छोड़ो इसको, मैंने छोड़ दिया उसको, लेकिन पलट के भी दोबारा उसको मारना पड़ा। और भाई लोग, मैं आपको एक चीज़ होनेस्टली बताऊँ ना, अगर आप किसी भी आईफोन में खेलते हो वाईफाई के साथ, एक अच्छी वाईफाई के साथ खेलते हो और आप ठीक ठाक खेल लेते हो, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेलोगे, लेकिन भाई आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी हमारा एक TDM का मैच कंप्लीट हो गया है। और बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखा मुझे, लेकिन पीछे एक साइड जो आईफोन 11 है थोड़ा सा हीट हो गया है, और इसके हीट होने की मैंने आपको वजह पहले ही बताई थी। और वैसे भी ये नॉर्मल तो हीट होगा ही, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो गया है। तो अभी हम जल्दी से अपना एक एरेंगल स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एरेंगल में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और जो हम क्लासिक खेलेंगे भी, वो हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग पे रखे खेलेंगे। तो चलो भाई लोग, जल्दी से अपना एक एरेंगल स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई लोग, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपको आईफोन 11 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो लैंडिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रही है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर अभी यहाँ पे ब्राइटनेस ड्रॉप देखने को नहीं मिली। तो चलो यार जल्दी से यार गनमैन ढूंढते हैं। तो यहाँ से लूटपाट करके आगे तरफ जाते हैं और वहाँ पे 2 बंदे होते हैं, अभी देखो उनको कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे तो इनको इजीली भर देते हैं। और अभी बात करें परफॉर्मेंस की, तो जो अपडेट करने से पहले जो परफॉर्मेंस थी ना, वही सेम अभी भी है, कोई भी ज़्यादा या फिर फ्रेम ड्रॉप पे हीटिंग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हीटिंग की प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, और इस अपडेट में हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो फिलहाल के लिए हमारे एक बंदे को नॉक कर दिया है और वही बजाने के लिए उसको यहाँ पर आते हैं, और अभी अब देखना कि मेरे साथ क्या होता है। तो अभी इसने हमारे बंदे को तो 9 प्लस फिनिश कर ही दिया है, और यहाँ से भी निकल के भाई इस पर रद करने जाते हैं।
और अभी देखना मेरे साथ क्या होता भाई, मेरे को पता ही नहीं बंदा एक इधर भी था। भाई मैं बिना हेडफोन के खेल रहा हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये बंदा किधर से आया, कितने बंदे थे यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो यहाँ भाई इसने मेरे को भर दिया था। तो कोई बात नहीं है, और अभी हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की आफ्टर अपडेट, जो मैंने अपडेट किया था उसके बाद की परफॉर्मेंस। तो काफ़ी सही है यार, पहले जैसी है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसके चलते ये फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाता है, और फिर हीट होने के बाद थोड़ा सा बैटरी ड्रॉप भी कर देता है ये। और अभी आपने कुछ सेकंड पहले देखा होगा मैं एनमी को देख रहा था, तो थोड़ा सा उसका अटक के चल रहा था। तो भाई मैं किसी को एक्सपेक्ट करता हूँ तो हर फ़ोन में कुछ हमेशा ऐसा ही दिखता है। तो अभी आप लोग ये मत समझना कि ये लैग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एनमी को मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ग्लिच में ऐसा दिखता है ये। तो भाई लोग बाकी का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना, और आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।